ना आराम से चलाना गाड़ी को और धीरे से जाना और फिर जाते फ़ोन कर देना। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9। गाइज उठने को तो 6 बजे उठ गया था, लेकिन कुछ काम तो है नहीं तो पढ़ा था। और आंटी ने अभी खीर लाई है तो अंकिता को खीर खिला देता हूँ। आज बारस कुछ मनाते हैं इनके, तो अभी इसको खीर खिला देता हूँ। और अभी मेरे को सेब भी लेके आना है और आज मार्केट में भी जाना है, थोड़ा सा काम है। कोई दोस्त आ रहा है मेरा उसके साथ, तो वहाँ पर जाके आऊँगा मैं। तो गाइज हमारी आंटी ने लाई है खीर, तो अभी अंकिता को खीर खिला देता हूँ। गर्म है अंकिता, थोड़ा ध्यान रखना है ना। लो चल मैं मेरा से खिला देता हूँ। लो चलो गाइज, मैंने भी खा ली खीर और अंकिता को भी खिला दिया, तभी जा रहा हूँ मैं बाहर। मैं आ गया हूँ बाजार से घूम के और अंकिता खा रही है खाना। तो दाल बाटी बनाया आंटी ने, तो आंटी भी खा रही है साथ में। अंकिता मुस्कुरा रही है धीमी धीमी। गाइज शाम के बज चुके हैं 8 और मैं दिन में कहीं बाहर चला गया था कुछ काम से, क्योंकि अभी मुझे जॉब की भी ज़रूरत है। तो जॉब के लिए गया था मैं, कंप्यूटर काम के लिए। तो कोई ऑफिस में बात करके आया हूँ, वो सब मैं बता दूंगा बाद में कि किससे बात करके आया हूँ, क्या है क्या नहीं है। आज वो लोग नहीं बना पाए दिन में हम बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो चला गया था और अंकिता की बोलने की इतनी हालत है ही नहीं। तो अभी देवा और देवा के कुछ मिलने वाले आ रहे हैं अंकिता से मिलने, तो उन सबसे आपको मिलवाते हैं। और अंकिता ने तो खाना खा लिया, अभी मेरा खाना खाना बाकी है। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ और अंकिता कर देता हूँ पट्टी, मतलब वो साफ वाफ कर देता हूँ उसको। तो गाइज आपने अभी तक देखा नहीं होगा कि अंकिता को चोट कहाँ पे लगी है, तो यहाँ पे लगी थी गाइज, यहाँ से और यहाँ तक लगी हुई है। ये टाँके हैं, कम से कम 6 टाँके हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल यहाँ से बाल काट दिए अंकिता के। और ये अभी मैंने पॉलीटिन लगा दी, साफ करके पॉलीटिन लगा दी इसमें, तो ये सूख जाएगा। पट्टी मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि इसका सिर दर्द करता है वो थोड़ा टाइट करने से, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप इसको खुला रख सकते हो। गाइज मैंने नर्सिंग कर रखी है, लेकिन है ना ऐसी चीज़ें मेरे से दिखाई नहीं जाता। मैं तो बड़ी मुश्किल से अंकिता को पट्टी कर पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से। मेरे को तो ना घबराहट होती है खतरनाक वाली, भाई यार ये क्या हो गया है। बड़ी मुश्किल से लगाता हूँ, पर कैसे भी करके, क्योंकि केयर तो करना ही है, तो लगा देता हूँ कैसे भी करके। और अभी सेब लेके आया था इसके लिए, तो सेब का नाश्ता दे दूँगा थोड़ी देर बाद में, दूध पिला दूँगा हल्दी वाला। कुछ कमेंट आए थे कि हल्दी वाला दूध इसको पिलाना, तो इसके ना तबीयत में थोड़ा सुधार आएगा, मतलब जहाँ पे इसकी लगी है ना चोट तो सही हो जाएगी। तो अभी इसको हल्दी वाला दूध पिला दूँगा, खाना इसने खा लिया है, टेबलेट दे दूँगा। देखते हैं देवा कितने टाइम बाद में आता है, उससे मिलवाते हैं आपको। एक मन से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अंकिता की, देखो यहाँ पे चांद बन गया चांद, अभी पता नहीं चांद कितने दिन बाद में ठीक होगा। अंकिता कहीं मान जा, कड़ाकड़ी पड़ जाओ, अब तू जल्दी ठीक होगी देख ले, तारा चांद है ना बहुत जल्दी सही हो पड़ो जा। अंकिता की मजाक कर रहा था मैं आसार दिन चांद की, अंकिता भी हंस रही थी बढ़िया मस्त। और मैं दिन में बाहर चला गया था, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी ना इसको? थे ना तू? हाँ, तो इसका ध्यान रखा कर, ठीक है ना। गाय जी ये लक्ष्मी है हमारी मकान मालिक लड़की, बहुत ध्यान रखती है ये। तो मेरे को है ना इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि जॉब कर लूँ, क्योंकि भाई साहब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है अब हमारे, क्यों किता, क्योंकि दोनों तरफ से बर्बाद हो रहे हैं हम। तो इसलिए मैं जॉब करूँगा गाइज, मतलब मिलेगा तो करूँगा, मैं आज जाके आया था, मिलेगा तो करूँगा, पता नहीं। वैसे तो ये बोल रही है कि नहीं करना है तेरे को जॉब, सिर्फ यूट्यूब पर ध्यान देना है। तो मैंने बोल दिया कि यूट्यूब पर भी ध्यान देंगे और जॉब भी करेंगे भैया, क्योंकि अभी जॉब नहीं करेंगे ना थोड़ा दिन तो फिर मामला थोड़ा डिसमिस हो जाएगा ना। अब 10 फोन कर दिया आज कम से कम मार्ग ने, 1 घंटा के अंदर 10 फोन। या 10 चल जाओ, कई कई चल जाओ, कई कई भूल जाओ तो बता सब कई कई खाई भी आना हो गई मार लाओ। हाँ बस मारी याद आओ, मार लिए ना जाओ तारी याद दस्त थार ले तू ना ही मन याद कर। अच्छा मु ना तभी कौन आओ सब भूल जाओ तू, फिर 1 घंटा में 10 फोन कैसे आओ तुम्हारे, फोन कैसे करो तू फिर 60 मिनट में 10 फोन। तो गाइस देवा और तो आएंगे लेट, मैं खा लेता हूँ खाना, फिर वो देखते हैं। अब खाना बनाने वाला तो कोई है नहीं, तो अगर वो खाना खा के आए होंगे तो ठीक है, नहीं खा के आए होंगे तो फिर बाहर खिला के लाना पड़ेगा और होटल हो जाएगी बंद 8:30 बजे, इसलिए मैं उनको कॉल कर लेता हूँ एक बार। गाइस फाइनली आ चुका है अंकिता का भाई देवा और इसके साथ 2 भाई भी आए हैं, तो बातें कर रहे हैं। लेकिन देवा एक हमारे लिए स्पेशल चीज़ लेके आया है, देव जी के जाके आया था यासीन, तो इसने प्रसाद दिया है अंकिता को। ला खा लरी 2 दाना खा जी, पर क्योंकि ज़्यादा हानिकारक जन प्रसाद का भी माता में चटका चाल बला जाओ वरना, इसलिए कम भी खिलाड़ी जन। तो कतरी दूर से रहते 250 किलोमीटर दूर से वैसे पड़े तो 200 किलोमीटर अच्छा, पहले तो देव जी के जा रहा है, ज़्यादा हो गया तो 300-400 किलोमीटर हो गया।
देव जी के जा रहे हैं बाद में भी। अच्छा सही है फिर तो। अच्छा थार लिए मतलब मांगे जो भगवान से जी जाओगी तो जिंदा रह जाओगी तो मरेगी की तुम मौत न लिख मिले भगवान किर देवा खाए भी ना हो भगवान लिख रखे हो खूब लंबी उम्र 80 साल तो हमारा एडिश लिख रखे हो भगवान और 20 साल की छूट है मतलब 100 साल जीरी में रह गया पूरी 10-20 साल बाद दस बीस साल देवा की लल देव कम जी हुए तो होगी 120 साल की अब 120 साल जीर मरेगी मतलब तू नाम कमार मरेगी देश में किर देवा जो कोटी बनाओगी पूरा तो खाना वाणो ना खा रहा है देव अरे देव व्रत कर बुला गयो कहीं मांगे तू नहीं कल भी है कल भी तो आज भी है पता नहीं बहुत कमेंट आ जाओ खदाड़ा चो इन्हें कमेंट फट ली सुबह भगवान मान जाओ तो बुक रे लियो भगवान के लिए बस बात खत्म इमे भी अंकिता के लिए मांगे जाओ कुछ तार लिए बीवी भी लुगाए हुआ है ढूंढ रहे हो कुछ ही रहे हो जाए भगवान कुछ रखा ना सबने तन छोड़ अच्छा ये कोई बात नहीं खुद को नहीं बिचाओ बुक को भी तू ये तो तारा होने चाहो बोलो तो गाई जी खाणो नखा रहा है तो यहाँ एक काम करो तो कोई बना बड़ो सको ना मौसम भी बना कौन आला सा लाग गया अब तो यहाँ बारे खिला लिया उसे खाणो तो चला देवा चलो भैया आज तो होटल पे तो नहीं आए लेकिन ढाबे पे आ गए इस पे दाल है सोयाबीन की सब्जी रोटी है और प्याज है 50 रुपये में फुल डाइट है सस्ता खाना है और बढ़िया खाना है तो यहाँ पे खा रहे होटल थी इधर आसपास दिख नहीं रही थी तो यहाँ पे आ गए गाइस देवा और दोनों भरत है और ये भाई और मेरे को खाना खाना है तो अभी यहाँ पे खाना खा लेते हैं यहाँ ना बाहर तो केड़ा खिला देता हूँ और सुबह फिर खोल लेंगे ये व्रत तो चलो नाश्ता करो पेट भर के नाश्ता कर लेना फिर रात में कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पे छोटा मार्केट है चित्तौड़गढ़ का और अंकिता मुस्करा रही है गाइस क्योंकि है ना अभी ये थोड़ी थोड़ी ठीक होती जा रही है ना इसके चेहरे पर लगी रौनक आती जा रही है और 3-4 दिन से तो ऐसा मुँह बिगाड़ रखी थी बिल्ली के जैसे लेकिन आज शेर के जैसे मुँह कर रखी है और आपको मैंने इसका सिर का चांद दिखाई दिया पहले गाय जब समय हो रहा है रात के 10:52 और देवा जा रहा है उदयपुर वहाँ पे देवा काम करता है और ये भाई इनके कोई ज़रूरी काम है तो ये कि भाई हम तो जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ से उदयपुर है कम से कम 150-200 किलोमीटर तो यहाँ से अभी रात का सफ़र करें मैंने तो इनको खूब मैं अंकिता खूब बोल रहे हैं कि भाई रुक जाओ लेकिन नहीं रुक रहे हैं तो जा रहे हैं ये और कोई बात नहीं तो फिर है ना आराम से चलाना गाड़ी को और धीरे से जाना और फिर जाते फ़ोन कर देना ठीक है मोबाइल बंद मत करना चार्ज कर लियो अगर मोबाइल में चार्ज ना हो तो 10-5 मिनट तो ठीक है आराम से जा जाओ ठीक है भाई धीरे चला जाओ गाड़ी में कोई भी गाड़ी चलाओ धीरे चला जाओ ना ठीक है चलो चलो मैं 12 तक छोड़ रहा हूँ ठीक से चलो ना गई रात के 11 बज चुके हैं और देवा और उसके दोनों साथी गए देवा के तो पूरे मन में थे बेचारे रुकने के लिए लेकिन उसके साथ दो लड़के थे ना तो बोल रहे थे कि आज सुबह जॉब जाना है इमरजेंसी और उसके चक्कर में देवा भी गए इन्हें ना ऐसे आते हैं ना 10-15 मिनट के लिए तो आना ही नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदारों को मैं तो बोल ही देता हूँ पहले आना ही नहीं चाहिए क्योंकि देखो रात के 11 बजे टेंशन रहेगी सारी रात नींद भी नहीं आएगी यार पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे देखो बहुत ज़्यादा दूर कम से कम आओ एक दिन रुको आधा दिन रुको बातें करेंगे सो जाओ रात में तो सो जाओ लेकिन अभी चले गए तो फिर चिंता रहती है अभी अंकिता को भी चिंता हो रही मेरे को भी चिंता हो रही खैर वो चले जाएंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं है पर ऐसे आते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता आए तो कम से कम रुक के जाओ बात करके जाओ वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रुके थे बस इससे ज़्यादा नहीं रुके तो गाइज आज के ब्लॉग में बस यही था आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय।